उन्नाव से हैं रामचंद्र यादव जी, स्वागत है आपका जी। नमस्ते मैम जी। नमस्कार जी, बताइए। आदाब सर। आदाब साहब, वाइफ को, वाइफ को गैस बहुत बनती है, और जब गैस बनती है तो यूरिन भी कम होती है। उम्र क्या है उनकी? 64 है जी। तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो एक नुस्खा पेश कर देता हूँ मैं आपको, आप लिख लें। देखिए, आंवला 150 ग्राम, आंवला 150 ग्राम, सूखा हुआ आंवला मिलता है 150 ग्राम, और धनिया, साबुत धनिया 150 ग्राम, और सौंफ 150 ग्राम, और मेथी का दाना 150 ग्राम। अब इसमें 150 ग्राम मिलाना है जैतून का नमक। जैतून का नमक एक बिल्कुल नमक की ही तरह दिखने वाला एक रसायन है, जिसे नमक जैतून आसान भाषा में कहते हैं। इसको आप 150 ग्राम लें, इसमें पाउडर बनाकर मिक्स कर लें, पाउडर बना लें घर पर ही, और आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, नाश्ते से पहले लेना बेहतर है, पानी से लिया करें तो उनका ठीक होना मुमकिन है। यूपी से हैं अमित पांडे जी, स्वागत है आपका जी। यही बोल रहे थे, उनका उम्र है 29 साल। हाँ, 39 साल। हाँ हाँ, तो ये बोल रहे थे उनका ये बीमारी, जैसे कि उनका बुखार कभी नहीं छोड़ता है, वो बहुत ज्यादा पेन किलर खा चुकी है। ठीक है जी। देखिए, एक जंगली पौधा है, वो बोल रहे थे आप, तो आपके बोलने के अंदाज से मुझे पता चलता है कि आप गांव वाले हैं या गांव से वाकिफ हैं। तो एक पौधा है जिसे चिरचिटा कहते हैं। चिरचिटे का पेड़ ऐसा होता है, उस पर बहुत लंबी सी एक लंबी सी बाल आती है, उस पर जीरे की तरह कांटे होते हैं। हम अगर उसके लग के निकल जाएं तो वो जीरे के कांटे हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं, ये चिरचिटा कहलाता है। इसका रोज़ाना एक पत्ता 2 हफ्ते तक खिलाएं, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। यूपी से ही नेक्स्ट कॉलर हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम जी, बताइए। मम्मी जी हैं कमलेश, उनकी उंगलियों में गठिया हुआ है और घुटनों में बहुत दर्द रहता है मैडम। उम्र क्या है उनकी? उम्र 55। देखिए, गठिया का भी इलाज यूनानी में मौजूद है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। आप समझ लें खूब अच्छी तरह कि हमें लेना है अलसी खरीदनी, अलसी 500-600 ग्राम अलसी खरीद लें, 40-50 रुपए की आ जाती है। इसको साफ सूफ करके और हल्का सा भून लें, बर्तन में डाल के हल्का सा भून लें, और फिर इसका पाउडर बना दें, ग्राइंडर में पाउडर बन जाएगा, ये अलग रखें। और एक आता है गौंसिया, ये गौंसिया खरीद लीजिए 100 ग्राम, और इसको अलग से पाउडर बना के रखें। ये रॉ मटेरियल है, कड़वा बहुत होता है और नकली बहुत मिलता है, इसलिए असली ले लें। असली लेना ज़रूरी है, और ये 14-15 रुपये रोज़ का इलाज है आपके मम्मी का। ये इसका पाउडर एक चुटकी में जितना आए, एक चुटकी इसका पाउडर और एक चम्मच अलसी का पाउडर मिक्स करके रोज़ाना नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी से खिला दिया करें, या बग़ैर चर्बी के दूध से भी दे सकते हैं। खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें, और असली गौंद से आ लें, यानी काला गौंद असली लेना ज़रूरी है।
अलसी तो नकली नहीं आती, या आप अगर 5-7 महीने खिलाते हैं मम्मी को तो उनको फायदा होना मुमकिन है। गुड़गांव से हैं सतीश शर्मा जी, स्वागत है आपका। यकीन साहब आदाब। सतीश जी आदाब। सर फर्स्ट ऑफ लाइक आई विल थैंक यू, आपके 2-3 नुस्खे मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे बेनिफिट है उनका। जी आपका जैतून का सिरका शुगर के लिए यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, बच्चे को गर्दन का एक्जिमा है। बच्चे को एक्जिमा है, बच्चे को एक्जिमा है ये बता रहे हैं। एक्जिमा है गर्दन पे, खारिश मस्ती है उसमें, थोड़ा सा निशान भी है काले काले, और वो मुंह तक आ गया है। तो एक तो उसका इलाज थोड़ा सा पूछना था मुझे, और दूसरा मैं आपका ये बनाया उसका भी बताया था आपने लास्ट मीटिंग में, ये जैतून का नमक आपका आंवला धनिया मेथी और वो यूज कर रहा हूँ गैस्ट्रिक के लिए। गैस्ट्रिक में पेट का थोड़ा सा रोग तो आराम है, मोशन वगैरह नहीं होते अब, लेकिन गैस्ट्रिक और मोशन नहीं होता सुबह मुझे, कुछ खाने के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद मोशन होता है जाके। जी ठीक। हाँ देखिए कई इलाज हैं, ये तो आप लेते रहिए, लेकिन 2 चम्मच रोजाना अरंडी का तेल, ये कैस्टर ऑयल कहलाता है इंग्लिश में, और हर मेडिकल स्टोर पे मिलता है, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम पी लिया करें, उस पर गरम गरम चाय या गरम गरम पानी पिया करें, खूब गरम, तो ये जाकर तराई कर देता है हमारी आंतों में, और फिर ये परेशानी धीरे धीरे जा सकती है। बेल का मुरब्बा खा लिया करें रोज़ाना 1 पीस, इससे भी बहुत राहत रहती है पेट में। अच्छा वो बच्चा जिसके एक्जिमा है उसको आप दीजिए कैप्सूल हुस्ने सुलेमानी, कैप्सूल हुस्ने सुलेमानी 1 रोज़ाना, और ये खाने के बाद देना, इससे उसका फायदा होना मुमकिन है। जी यूपी से हैं संदीप शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। जी जी आदाब। जी सर हेलो। संदीप जी आप ना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, अपना सवाल करिए। हाँ जी कर दिया है मैडम, मुझे जैसे कि मैं जिन्ना चढ़ता हूँ और या थोड़ा सा काम कर लेता हूँ सांस चढ़ जाता है। हाँ और मेरी उम्र लगभग 30-32 साल है। ठीक है जी। खांसी नजला कुछ रहता है? हाँ जी खांसी हो पहले थी लेकिन अब तो है नहीं। ठीक है ठीक है। वो आता है हमारे किचन में पीपलें कहलाती हैं, 1.25 इंच की लंबी पीपलें, पीपला मूल भी कहते हैं इसे हिंदी में, ये आधी तोड़ के आप मुंह में रख लिया करिए, और ये थोड़ी देर में नरम हो जाए तो चूस कर चबा के खा लें, और 1 गिलास खूब गर्म पानी पी लिया करें रोज़ाना, 2 हफ्ते तक ये इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं राजेश अवस्थी जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। एमपीसी बोला था सागर जिले से मैम। ठीक है तो ये समस्या है, रात में नींद कम आती है। आपकी उम्र क्या है? 40 वर्ष होती। जी रात में नींद कम आती। जी अच्छा देखिए दिन में अगर सो लेते हैं और रात में नींद कम आती है तो कोई बात नहीं है, एक व्यक्ति का 24 घंटे में 6-7 घंटे सोना ज़रूरी है, अगर रात में और दिन में आपको 7-6 घंटे विश्राम मिल गया नींद की सूरत में तो समझ लीजिए कि काफ़ी है, और अगर वैसे कम आती है तो जैतून का सिरका रात को 3 छोटे चाय के चम्मच
पानी में मिलाकर पिया करें, आपको खूब गफलत की और सुकून की नींद आती है। कुछ दिन लेकर आप इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। जी, बिजनौर से हैं दिनेश कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो जी, बताइए। हाँ जी, मेरे को लगभग 20 साल से पेट की प्रॉब्लम। क्या दिक्कत आती है पेट में? पेट में एसिडिटी बनती है मेरे को। एसिडिटी? आपकी उम्र क्या है? उम्र है 41। 41, ठीक। देखिए, रात के समय जब खाना खाएं, वैसे तो दिन में भी कर सकते हैं, खाना खा के 2 चम्मच सौंफ खाया करें। और जो लोग सौंफ को चबा कर खा नहीं सकते हैं, उन्हें चाहिए कि सौंफ का पानी पी लिया करें। दिन में 2 टाइम 2-2 चम्मच लिया करें, इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और ये आपका बेल का मुरब्बा अगर 1 पीस रोज़ाना खा लिया करें तो इससे भी बहुत फ़ायदा होता है ऐसे रोगियों को। और ये घरेलू नुस्खे हैं, आप लिया करें। और अगर किसी सूरत फ़ायदा ना हो तो जैतून का नमक आता है, रसायन जैतून भी कहते हैं, जैतून का नमक आसान भाषा में, इसको आप 2 चुटकी पानी मिलाकर रात को पीकर सोया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, यूपी से हैं उमेश जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं उमेश सिंह बोल रहा हूँ यूपी से। मेरा हाँ? मेरी उम्र है 48 साल। ठीक है। 20-25 साल पहले मैंने एक वजन उठा दिया था। हाँ। तो तभी से कमर दर्द हो रहा है। ठीक है। डॉक्टर को दिखाए तो ऑपरेशन बताए हैं, मैम बताए हैं कि वो रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक जी, ज़रूरत नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ऑपरेशन की, लेकिन 1-2 बातें मेरी आपको माननी होंगी। एक तो आपके घर में अगर ऐसा कुर्सी वाला शौचालय ना हो तो वो लगा लीजिए अपने लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये आप ठीक हो जाएंगे फिर वही हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे फिर वही हो जाएगा, इसलिए नहीं है तो कुर्सी वाला टॉयलेट ज़रूर रखवा लीजिए। बहुत बड़ा खर्चा होता है ऑपरेशन में, ये कुर्सी वाला टॉयलेट हर उस आदमी के काम आएगा जिसके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या जो मेरी तरह बुढ़ा आदमी है। और ये बहुत अत्यंत ज़रूरी है, अगर ऑपरेशन भी कराएंगे तब भी वो लोग कहेंगे कि कुर्सी वाला ये बाथरूम लगवाइए, शौचालय लगवाइए। एक तो ये बात। अच्छा, इलाज जब करें तो 3-4 महीने लगातार करें, 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने करना है, ठीक है। अच्छा, 2 इलाज हैं इसके। एक तो ये है कि गौंद स्याह नाम का एक काला गौंद आता है, गौंद स्याह, एक काले गौंद को कहते हैं, जो इंतहाई कड़वा होता है और बहुत नकली भी मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। ये खाली 100 ग्राम खरीद लीजिए और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के पश्चात पानी से या बगैर चर्बी के दूध से आपको लेना है। वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है और मेहनत का काम ना करें कुछ दिन जब तक इलाज चल रहा है, फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। ये असली मिल जाए तो ले लें, नकली बहुत मिलता है, मैं ज़िम्मेदार नहीं अगर आपने नकली लिया। नकली मिले तो मत लें चाहे, तो आप फिर कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, अगर सही ना मिले आपको और नकली मिले सब जगह, कड़वा बहुत होता है नकली बहुत मिलता है, तो आप कैप्सूल टी केयर सुबह नाश्ते के बाद रात को खाने के बाद लगातार खाएं। और देखिए, फिर कह रहा हूँ, अगर 1 महीने में पूरा फ़ायदा हो जाए 3-4 महीने खाना, ताकि इस रोग से निजात मिल सके।